भाभी अच्छा है आप आ गई, आइए ना। वो दरअसल मुझे कुछ काम था, मैं अभी आता हूं। अरे ओ दुमका वाली, बारिश में भीगने के बाद छतरी लगाने का क्या फायदा? अरे तू तो आ गई, मुझे तो वही काली दाल खानी पड़ती है ना, और उसे खा के मैं बीमार हो जाती हूँ, बुखार चढ़ जाता है मुझे। माँ जी आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए जल्दी से पालक दाल बना कर लाती हूँ। अच्छा बना ले। थैंक गॉड मॉम आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। पता है मैंने तो स्टेटस भी अपलोड कर दिया था। आज बेचारा बिन मॉम का बच्चा। क्यों आज तूने बर्गर नहीं खाया? लाया था मॉम, मगर आपके बगैर खाने का मन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। पीहू ये तुम्हारे जेलेटिन पेपर्स। वो ग्रेट मॉम, आपको याद था? मॉम आपने मेरे बालों में थोड़ा तेल लगा देना, वो एक्चुअली दादी कब से ताने दे रही है इसलिए। लगा दूंगी, आप बूबो को संभालो मैं ही रख के आती हूँ। बड़ी माँ आप कहाँ थी? बुबू तुमने बड़ी माँ को मिस किया? हाँ। इधर आओ। महेन मैं माँ जी के लिए पालक दाल बनाने जा रही हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बुबू को संभाल लेंगे? मैं सोच रही हूँ कि मेट को निकाल ही दो, मेरा मतलब है अब तो आप वापस आ ही गई हैं। दीदी अब तो आप समझ ही गई होंगी कि इस घर में आपकी क्या जगह है, क्या वैल्यू है। आपके बिना कुछ होता नहीं ना दीदी। सही कहा तुमने सुनी थी, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए थैंक यू। तो अब तो आप मेरी किटी पार्टी के लिए बिना भाव खाए नाश्ता बना देंगे ना? निधि मुझे तुम्हारी किटी पार्टी के लिए खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, बस अगली बार मुझसे एक बार पूछ लेना। क्या है ना एन मौके पे मैं इतना सारा खाना बना नहीं पाऊंगी। अरे वाह प्रतिभा, तुमने तो मारा एक सॉलिड सिक्सर और इससे सुनिधि हो गई क्लीन बोल्ड। अरे वाह खुशबू तो सब्जी में बहुत अच्छी आ रही है। पनीर की सब्जी बनाई है? हाँ तुम्हें पसंद है ना? हाँ भाभी बहुत पसंद है। मोल तुम कुछ खा क्यों नहीं रहा? फिर से फोन पे लग गया। खाओ। अरे बुबू कुछ खा क्यों नहीं रहा? अच्छा सबको ऐसे खुश देख के बुबू खुश है ना? इंसान खुद को पहचान ले तो उसे दूसरे की मुहर की जरूरत नहीं होती। प्रतिभा को भले कोई क्रेडिट ना दे पर अब वो जानती है कि उसकी इस घर में क्या जगह है, और खूबसूरत बात यह है कि उसे किसी की क्रेडिट की जरूरत ही नहीं, उसे अच्छा लगता है ये सब करना, सबके लिए करना। घर में गृहिणी की जगह भला कौन ले सकता है? दूर से देखो तो लगता है गृहिणी का काम ही क्या है, पर नजदीक से देखो तो ये सबसे बड़ा काम है,
क्योंकि घरनी घर को घर नहीं बनाती, वो तो खुद ही घर होती है, और घर को घर से बेघर तो किया ही नहीं जा सकता।